बहराइच में भयंकर बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। तस्वीरें मूर्ति विसर्जन के दौरान भयंकर बवाल की हैं। देखिए कैसे आगजनी हो रही है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भयंकर तांडव की गवाही दे रही हैं। ऐसा तांडव जिससे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मानो हिल गए। और ये सब कुछ हुआ मूर्ति विसर्जन के दौरान। एक समुदाय विशेष के घर के सामने से गुजरी दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। अज्ञात लोगों ने पथराव के साथ फायरिंग भी की। इसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर मौत की खबर मिलते ही कोहराम बरसना शुरू हो गया, जो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वाहनों और घरों में आगजनी होने लगी। मामला थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव का है। घटना के बाद पूरे महाराजगंज इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए। और जहां पे भी इस तरह का डिस्टरबेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। और जहां जहां पे भी डिस्टरबेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना में 4 घर जलने की खबर है। कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे। घटना के बाद मूर्ति विसर्जन को रोक दिया गया। दरअसल विसर्जन जुलूस की गाड़ियों को रोककर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने भारी संख्या में अस्पताल के अंदर घुसकर अस्पताल के इमरजेंसी में भी उत्पात मचाया और बहराइच के सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के अस्पताल चौराहा स्थित दफ्तर पर भी पत्थरबाजी की। खंभों और दुकानों पर भी लगी बीजेपी नेताओं के होर्डिंग्स पर लाठी डंडे बरसाए गए। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन्हें दौड़ाया। इस दौरान पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज की। माहौल बिगड़ने के बाद जिले की एसपी वृंदा शुक्ला ने भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और अस्पताल से उन्हें बाहर खदेड़ा। इस दौरान पूरे जिले में अफरा तफरी मच गई। जिले की डीएम मोनिका रानी और सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद श्रावस्ती जिले की पुलिस फोर्स को भी यहां लगाया गया। वहीं बहराइच बवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा के आदेश के बाद गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक KS प्रताप कुमार, कमिश्नर देवी पाटन मंडल और DIG देवी पाटन मंडल की मौजूदगी में देर रात तक जिले भर की मूर्तियों का विसर्जन करवाया गया। वही पुलिस ने बहराई जाने वाले बॉर्डर एरिया को सील कर दिया है, जिसे फखरपुर और हुजूरपुर का बॉर्डर एरिया सील किया गया है। तनाव अभी भी बरकरार है, ऐसे में पुलिस किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और खुद CM योगी इसकी निगरानी कर रहे हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी के साथ आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।